गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे वी विल लर्न अबाउट रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट। इन द प्रीवियस सेशन वी हैव सीन दैट व्हाट डू वी मीन बाय प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, हाउ द प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग is prepared through line chart, Gantt chart, etc. Now, I think everyone know what do you mean by risk. What is the meaning of analysis, or what is the meaning of the management? Risk here means it is a potential or a probable problem which might happen or might not. Means suppose you are going out of station and you are taking a Now, let us take in a present scenario. Government has told you to be locked down, means you don't come out of your house. But suppose you are coming out of your house for purpose of buying a milk, or purpose of buying some kirana, or purpose of buying some groceries. So what is the risk here? Here the risk is you might get infected of the coronavirus. Means you are taking a big risk of your life. Means you might get infected of corona. Second risk is what? The police may give you to sanitize. डंडे मीन्स आपको दो सैनिटाइज डंडे पड़ जाएं, वो भी एक रिस्क है। मीन्स सबसे बड़ी रिस्क तो आपने जान की ली थी कि आपको कोरोना हो सकता है, दूसरी रिस्क आपने हाथ पैर की ली कि पुलिस वाले मिले वो आपको दो डंडे चिपका दें या दे दें, तीसरी बहुत सारी रिस्क हो सकती हैं। आगे हम डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं कि क्या हो और हो सकता है, बट यू आर टेकिंग अ रिस्क मींस इट इज क्या आपके साथ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये इसकी कुछ पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटी की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो हियर ऑल्सो द रिस्क इज अ पोटेंशियल और अ प्रोबेबल प्रॉब्लम विच माइट हैपन और विच मे माइट नॉट। जरूरी नहीं कि आपको कोरोना हो, जरूरी नहीं आपको पुलिस वाले डंडे मारे। आप उन्हें बता दो कि साहब मैं दूध का पैकेट लेने जा रहा हूं, तो वो आपको छोड़ भी दें। और यहाँ दूध वाले कहीं जा रहे हो तो आप देख रहे हो कि वो भी एक प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है, एक एक मीटर की दूरी से दूध का बांट रहा है, वो सैनिटाइज करवा रहा है, फिर आपको दूध दे रहा है। तो मतलब एक प्रोबेबिलिटी थी, एक नहीं भी थी। तो व्हाट इज द कंसेप्चुअल डेफिनेशन ऑफ द रिस्क? नाउ व्हाट डज मतलब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि कंसेप्ट क्या कह रहा है। रिस्क कंसर्न फ्यूचर हैपनिंग, मतलब रिस्क की जब हम बात कर रहे हैं तो उसका मेन कंसर्न है फ्यूचर में क्या हो सकता है। सेकंड, रिस्क इन्वॉल्व्स चेंज इन माइंड, चेंज इन ओपिनियन, चेंज इन एक्शन, चेंज इन प्लेस एक्सेट्रा। मीन्स रिस्क एक एक्स्ट्रा है कि जैसे मान लीजिए एट प्रेजेंट आप जब बाहर निकले पुलिस वाले के माइंड में था कि भाई चलो आप रोजमर्रा की चीज लेने जा रहे हो, आप एक अति आवश्यक वस्तु लेने जा रहे हो, वो आपको छोड़ दे। लेकिन अगर उसका मान लो मूड ऑफ हो जाए तो वो आपको दो डंडे लगा दे रहा। रिस्क एक ओपिनियन में बदल सकता है कि अभी वो उसके दिमाग में ये बात आ जाए कि बिना दूध के क्या काम नहीं चल सकता, काली ब्लैक टी पी लीजिए आप, ब्लैक कॉफी पी लीजिए आप, या बिना दूध के नहीं रह सकते क्या। एक्शन तो आपको पता ही है वो ले ही रहा है। मीन्स यहां रिस्क इन्वॉल्व हो रहा है
चेंज इन द माइंड ऑफ द पर्सन, या यहाँ जब हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो चेंज इन द माइंड ऑफ अ स्टैक होल्डर की बात हो सकती है, ओपिनियन ऑफ अ स्टैक होल्डर चेंज हो सकता है. इट माइट पॉसिबल दैट सम एक्शन कैन बी टेकन बाय स्टैक होल्डर हो सकता है, और प्लेसेस कैन बी चेंज एक्सेट्रा. और अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो रिस्क इन्वॉल्व्स चॉइस एंड द अनसर्टेनिटी दैट चॉइस एंटेल्स. मीन्स यहां पे अनसर्टेनिटी की बात भी आ रही है और एक चॉइस की बात भी आ रही है. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क. फर्स्ट इज द अनसर्टेनिटी एंड सेकेंड इज द लॉस. तो अनसर्टेनिटी की मतलब क्या होता है, जो कोई सर्टेन ही नहीं हो. मीन्स दिस रिस्क मे और मे नॉट हैपन, मतलब कुछ कह नहीं सकते कि होगा और ये भी नहीं कह सकते कि नहीं होगा. मीन्स देयर इज नो 100% रिस्क, सम ऑफ दिस मे कॉल्ड कॉन्स्टेंट. मीन्स इसकी कोई गारंटी नहीं है कि होना है कि नहीं होना है. दूसरा, हम लॉस की जब बात कर रहे हैं तो लॉस मीन्स इफ द रिस्क बिकम्स रियलिटी, अगर वो रिस्क रियलिटी में हो जाए देन रियलिटी एंड अनवांटेड कॉन्सिक्वेंसेज और लॉस अक्कर. मीन्स अगर वो रियलिटी में हो जाए, कुछ अनवांटेड कॉन्सिक्वेंसेज हो जाए या लॉसेस हो जाए, देन इट मे बी अनदर टाइप ऑफ अ रिस्क. नाउ लेट अस सी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट देन व्हाट हाउ वी कैन कैटेगराइज दिस रिस्क. तो यहां हमने एक अप्रोच वन की बात करी है. आई हैव टेकन एन अप्रोच कि कुछ कैटेगरीज में हमने उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूं. तो फर्स्ट इज द प्रोजेक्ट रिस्क. प्रोजेक्ट रिस्क मींस दे थ्रेटन द प्रोजेक्ट प्लान. मींस यू आर मेकिंग सम प्रोजेक्ट प्लान बट अवर स्टेक होल्डर्स और द मैनेजमेंट मे नॉट एक्सेप्ट इट, उन्हें ना पसंद आए, वो थ्रेट वो उसको रिजेक्ट कर दें या कैंसिल कर दें या उसको चेंज करने को बोलें. इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट रिस्क. इफ दे बिकम रियल इट इज लाइकली दैट प्रोजेक्ट शेड्यूल में विल स्लिप एंड द कॉस्ट विल इंक्रीज. जब हमने काम करना शुरू करते हैं तो हमने सोचा था कि हम 320 लाइन ऑफ कोड अगर एक दिन में लिख रहे हैं बट कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे हो जाएं या सरकमस्टेंसेस हो जाएं कि हम किसी एक प्रॉब्लम में फंस जाएं, तो पता चला कि 320 लाइन ऑफ कोड नहीं हम लिख पा रहे. तो 320 लाइन ऑफ कोड हम नहीं लिख पाए मीन्स किसी एक बग के कारण या किसी इश्यू के कारण या कहीं एक लॉजिकल एरर आ गई, लॉजिकल सॉल्यूशन हम नहीं निकाल पाए. देन वो 320 लाइन अगर आज पेंडिंग हो गई मेरी तो वो कल टेंडेंसी मेरी बढ़ती चली जाएगी. मींस अगर आप देखें तो आपका प्रोजेक्ट शेड्यूल जो हमारा चल रहा था कि हम विद इन अ 2 मंथ कर लेंगे या विद इन अ 1 मंथ कर लेंगे या 15 डेज में कर लेंगे या 6 मंथ में कर लेंगे, वो शेड्यूल मेरा क्या हो गया, वो बढ़ गया. जब मेरा शेड्यूल बढ़ जाएगा तो मेरा क्या होगा, रनिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगी, मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, मेरा सैलरी एक्सपेंस बढ़ जाएगा, मेरा बहुत सारे डिफरेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्टिंग जो आती है वो ऑल विल इंक्रीज एंड द कॉस्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर, कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट विल इंक्रीज. तो एक बहुत बड़ी रिस्क है वो. सेकेंड, हम बात करें अगर टेक्निकल रिस्क की करते हैं कि व्हाट इज टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ आ जाए देन इट्स मे बी अ गुड बिग रिस्क. दे थ्रेटन द क्वालिटी एंड द टाइमलीनेस ऑफ द सॉफ्टवेयर टू बी प्रोड्यूस. मतलब हमने जो क्वालिटी बनाई थी, हमने जो टाइम बाउंडिंग की थी, वो उनको नहीं पसंद आ रही. मींस किसको, हमारे स्टेक होल्डर्स को. मींस हम जो बना के दिया उनको, हो सकता है उनको वो नहीं पसंद आया. देन इट्स अ बिगेस्ट रिस्क कि आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपने बना लिया एंड अवर स्टेक होल्डर्स आर रिजेक्टिंग इट. इफ दे बिकम रियल इम्प्लीमेंटेशन में बिकम डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल. समटाइम्स अगर जो मांग रहे हैं या जो स्टेक होल्डर चाह रहे हैं उसको हम करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि इट माइट बी वेरी डिफिकल्ट और
Sometimes it may be impossible also. So these are some technical risks. Now third category I have given, that is a business risk. Business risk means they threaten the feasibility of the software to be built. Means the stakeholders can threaten the feasibility of the software. Also sometimes if they become real, they threaten the project or the product. अगर हम कुछ कहीं ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि दे कैन कैंसिल अवर प्रोजेक्ट और दे कैन रिजेक्ट अवर प्रोजेक्ट प्रोडक्ट ऑल्सो, देन दिस इज अगेन बिगेस्ट रिस्क व्हेन वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट. आई हियर वी आर डिवाइडिंग इनटू सम सब कैटेगरीज ऑल्सो इन दिस अप्रोच वन, दैट इज मार्केट रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क, सेल्स रिस्क, मैनेजमेंट रिस्क, द बजट रिस्क. मीन्स अगर हम बात करें हमने कुछ एक्सीलेंट प्रोडक्ट बना दिया पर मार्केट वो चाहता ही नहीं था, क्योंकि तो जब हम एक्सीलेंट प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो कॉस्टली बनता है, जब कॉस्टली बनता है तो भी लोग खरीदने को तैयार नहीं होते हैं. कुछ हमने प्रोजेक्ट बनाया या कोई हमने प्रोडक्ट बनाया लेकिन मार्केट की स्ट्रेटजी ही बदल गई. फॉर एग्जांपल अभी हम बात करें, हमने कोई प्रोडक्ट बना के किसी दुकानदार को दिया था पर आज मार्केट की स्थिति यह है कि पिछले 15 दिन से लॉकडाउन है, उसका तो बिजनेस फेल हो गया. और अगर हम बात करें ई कॉमर्स की, ई कॉमर्स मार्केट चल रहा है, तो हमारा प्रोडक्ट अगर देखें, अगर स्टैंड अलोन सिस्टम के हिसाब से बना था तो फेल हो गया, लेकिन अगर ऑनलाइन के हिसाब से बना था तो चल रहा है. मेरी स्ट्रेटजी इस समय पिछले 15 दिन के लिए फिट ही नहीं हो रही हूं. सेल्स रिस्क, ऐसा हमने कोई प्रोडक्ट बना दिया है कि जिसमें हमारे जो सेल्स टीम है दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड एंड दे आर अनेबल टू सेल द प्रोडक्ट और अनेबल दे आर अनेबल टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ अ प्रोडक्ट. मतलब किसी को जब बेचने जा रहे हैं तो बताने में सक्षम ही नहीं है कि हम उसमें क्या अलग दे रहे हैं या क्या उसमें इम्पोर्टेंट है. एक मैनेजमेंट रिस्क होती है कि हमारा पूरा मैनेजमेंट बदल दिया या हमारा कोई सीनियर मैनेजमेंट जो हम पे हमारे साथ काम कर रहा था वो चला जाए. कहीं ऐसी कोई स्थिति आ जाए कि कोई हमारा सीनियर मैनेजमेंट का सपोर्ट हमारे पास नहीं है, और कहीं ऐसा स्थिति आ जाए कि हमारे साथ जो टीम में काम कर रहे थे वो चेंज हो जाए तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ जाती है. एक बजट रिस्क आती है कि अगर हमारा पर्सनल कमिटमेंट कुछ था पर ड्यू टू सम रीजन हमारा बजट इज इंक्रीज और बजट इज डिक्रीज, दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ रिस्क. तो हियर इन द प्रीवियस स्लाइड इन दिस स्लाइड आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन फर्स्ट अप्रोच इन विच आई हैव कैटेगराइज रिस्क इन टू थ्री कैटेगरी, दैट इज अ प्रोजेक्ट रिस्क, टेक्निकल रिस्क एंड द बिजनेस रिस्क. And in the second, I have also categorized into sub-categories. There is a market, strategy, sales, management, and budget risk. Now, when we are talking on the risk category, we can have a second approach also. In the second approach, I have discussed about another perception. Here I have taken known risk. मुझे पता था ये रिस्क हैं, प्रेडिक्टेबल, इनको हम प्रोडक्ट कर पा रहे थे कि ऐसा हो सकता है. एक अनप्रेडिक्टेबल जो हमारे पास प्रेडिक्ट नहीं थी. फॉर एग्जांपल अगर हम नॉन रिस्क की बात करें, मींस दोस रिस्क दैट कैन नॉट बी अनकवर्ड आफ्टर केयरफुल इवेल्युएशन ऑफ नंबर वन द प्रोजेक्ट प्लान, नंबर टू द बिजनेस एंड द टेक्निकल एनवायरमेंट इन विच द प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड, एंड थर्ड द अदर रिलायबल इंफॉर्मेशन सोर्स. मीन्स ये रिस्क हमें पता थी, प्रोजेक्ट प्लान में क्या रिस्क है, हमारे बिजनेस एंड टेक्निकल एनवायरमेंट में क्या इशू आ सकते हैं, और कुछ अनरियलिस्टिक डिलीवरी डेट हम अगर दे दें कि मान लो कोई कस्टमर है वो मांग रहा है कि नहीं साहब मुझे जनवरी तक चाहिए ही चाहिए, और मुझे पता है कि हम फरवरी या मार्च तक नहीं दे पाएंगे, पर चलिए
अपन को चूंकि काम करना है, प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो हम उसको बोल देते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल देंगे देंगे, और मुझे मालूम है हम नहीं दे पाएंगे, जैसे अनरियलिस्टिक। और सपोज मान लो वो जिद्दी हो हमारा कस्टमर, और जनवरी की जगह आपने फरवरी डेट दी उसको कि साहब ऐसा था, कुछ वैसा था, कुछ एक्सक्यूज बताए, और इफ सपोज ही इज नॉट एक्सेप्टिंग योर प्रोजेक्ट और ही इज नॉट एक्सेप्टिंग द प्रोडक्ट, द बिगेस्ट रिस्क। प्रोडक्टेबल रिस्क क्या होती हैं? दोस रिस्क दैट आर डिड्यूस्ड फ्रॉम द पास्ट प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, मीन्स हमारे पुराने एक्सपीरियंस था, उस पुराने एक्सपीरियंस में मुझे पता था कि कुछ ऐसे ऐसे इश्यूज आए थे जिसके कारण वो प्रोजेक्ट हमारा रुक गया था, प्रोजेक्ट हमारा कैंसिल हो गया था, प्रोजेक्ट हमारा फेल हो गया था, या प्रोडक्ट वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाई द सोसाइटी, और द प्रोडक्ट वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाई द कस्टमर और द स्टेक होल्डर्स। तो दीज वेयर ऑल प्रोडक्टेबल रिस्क, जो हम अपने हिस्ट्री से या अपने एक्सपीरियंस से या जो काम हो चुका है उस एक्सपीरियंस से ले सकते हैं, जो मुझे पता होते हैं। थर्ड कैटेगरी इज हियर अनप्रेडिक्टेबल, दोज रिस्क दैट कैन एंड डू अकर बट आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई इन एडवांस। अनप्रेडिक्टेबल रिस्क फॉर एग्जाम्पल की बात करें, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज अच्छे से काम चल रहा था, लेकिन एक कोरोना नाम का वायरस मार्केट में आ गया और शटडाउन हो गया। अब शटडाउन हो गया तो मीन्स क्या हो गया, अब हर आदमी अपने घर में बंद है। अब सपोज इफ द एम्प्लॉय इज हैविंग द इंटरनेट कनेक्शन इज एट होम एंड इज हैविंग लैपटॉप एंड हैविंग द वर्किंग एनवायरमेंट एट होम, देन ही कैन डू द वर्क एट होम। बट सपोज एवरी पर्सन इज नॉट हैविंग दिस थिंग, क्या होगा? हमारा काम रुक जाएगा। इट माइट पॉसिबल कि लैपटॉप तो है पर इट इज इन द ऑफिस, एंड नाउ द गवर्नमेंट और द पुलिस इज नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउंग यू टू गो टू द ऑफिस एंड टेक योर लैपटॉप, देन वॉट हैपन, मीन्स यू आर हैविंग द ऑल रिसोर्सेज बट दिस टाइम यू आर नॉट हैविंग इट, दिस इज अनप्रेडिक्टेबल रिस्क। सपोज यू आर हैविंग द लैपटॉप एंड बाई एनी मिस्टेक इट गेट क्रैश, अनप्रेडिक्टेबल रिस्क, मीन्स होते हुए भी ना होना। इंटरनेट कनेक्शन है, इट माइट पॉसिबल इंटरनेट कनेक्शन की कहीं कोई इशू आ जाए और हमारा लॉकडाउन चल रहा है, हमारा जनता कर्फ्यू लगा हुआ है, उसको सुधारने वाला, उसके केबल को जोड़ने वाला नहीं आ पाए, मीन्स यू आर हैविंग द रिसोर्सेज बट यू आर नॉट हैविंग द इंटरनेट नाउ, दिस आर अनप्रेडिक्टेबल रिस्क। मीन्स इनमें आपका कोई रोल नहीं है, जो सीधी सीधी एक सरकमस्टेंसेस पे डिपेंड कर रही है। दिस इज अ सेकेंड अप्रोच ऑफ अ रिस्क। तो पहली अप्रोच में जब बात कर रहे थे वो हम कर रहे थे प्रोजेक्ट टेक्निकल और बिजनेस रिलेटेड रिस्क, फिर हमने बात करी कुछ कैटेगरी में, सब कैटेगरी में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और सेल्स मैनेजमेंट एंड बजट रिस्क, और ये हम जो थर्ड सेकंड कैटेगरी बनाई है वो हमने बनाई है कि अनुभव के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर कौन कौन सी प्रेडिक्टेबल रिस्क हैं, कौन सी अनप्रेडिक्टेबल रिस्क तो खैर हम कह ही नहीं सकते, और दूसरी नोन रिस्क हमारे पास है, ये रिस्क हो सकती है बहुत बड़ी। नाउ फर्दर लेट अस कंपेयर सम स्ट्रेटजीज, दैट इज रिएक्टिव वर्सेस प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज। यू कैन सी दैट रिएक्टिव रिस्क स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल डोंट वरी आई विल थिंक ऑफ समथिंग, मतलब हमने तो एक सेंटेंस कह दिया, चिंता नहीं करो मैं कुछ सोचता हूँ, या सोचते हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको सॉल्यूशन निकल आए। मोदी जी वहां बैठ के कह रहे हैं डोंट वरी मैं सोच रहा हूँ, मैं किट मंगा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि हमारे पास वो संसाधन वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाए। मेजॉरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर टीम्स एंड मैनेजर रिलाय ऑन दिस अप्रोच, और अगर देखा जाता है जो टीम मेंबर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर मैनेजर्स होते हैं, वो सारे के सारे इसी चीज पे डिपेंड करते हैं कि चिंता नहीं करो, देखते हैं कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। देखो जहां चाह है वहां राह है, ये तो तय है, पर जब हम प्रैक्टिकली फील्ड पे काम करने बैठते हैं तो कई बार बहुत समस्याएं आती हैं जिनका सोल्यूशन नहीं निकल पाता है। नथिंग इज डन अबाउट रिस्क अंटिल समथिंग गोज रॉन्ग,
देखो, जब तक कुछ गलतियां ना हो जाए, जब तक कुछ गलत ना हो जाए, हम कुछ कर भी नहीं सकते। हम केवल प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं कि ऐसा ना हो, ऐसा हो जाएगा। द टीम देन फाइल्स इन टू एक्शन इज एन अटेम्प्ट टू करेक्ट द प्रॉब्लम रैपिडली। मतलब एक टीम जो होती है, सॉरी, वो एक्शन में तब आती है जब उसको प्रॉब्लम को रैपिडली करेक्ट करना होता है। नेक्स्ट इज द क्राइसिस मैनेजमेंट इज अ चॉइस ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक्स। मीन जो क्राइसिस मैनेजमेंट है, इट्स अ चॉइस ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक्स। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट प्रोएक्टिव रिस्क स्ट्रेटजीज। प्रोएक्टिव रिस्क स्ट्रेटजीज मीन्स स्टेप्स फॉर रिस्क मैनेजमेंट आर फॉलोड। एक हमारे पास कौन सा चार्ट बना हुआ है कि हमें कौन कौन से रिस्क स्टेप्स फॉलो करना है। जैसे अभी कोरोना का एक रिस्क आया, तो कोरोना में स्टेप बना दिया कि आप घर पर रहें, दूसरे को टच ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, अवॉइड मॉब मॉब में इकट्ठे ना हों। मतलब ये सब कुछ उनने कुछ स्ट्रेटजी या स्टेप्स बता दिए। सेकेंड इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू अवॉइड रिस्क एंड टू हैव इमरजेंसी प्लान इन प्लेस टू हैंडल अनअवॉइडेबल रिस्क इन अ कंट्रोल्ड एंड इफेक्टिव मैनर्स। मीन्स हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम कैसे रिस्क को अवॉइड करें। कोई ना कोई हमारे पास एक इमरजेंसी प्लान होना चाहिए। कुछ हमारे पास अनअवॉइडेबल रिस्क होती हैं, जो उनको कैसे कंट्रोल और एक इफेक्टिव मैनर में कैसे कंट्रोल किया जा सके। देयर शुड बी सम प्लान बी और सम प्लान ए और दैट सर दैट कैन बी इमरजेंसी प्लान। और टुडे आई हैव दिस इज आई थिंक ओवर अबाउट समथिंग अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट रिस्क स्ट्रेटजीज एंड वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क, वॉट इज द रिस्क। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल लर्न समथिंग अबाउट डिफरेंट स्टेप्स टेकन फॉर द रिस्क मैनेजमेंट। मीन्स ये प्रोएक्टिव रिस्क स्ट्रेटजी की जब हम बात कर रहे थे, तो वॉट आर द डिफरेंट स्टेप्स दैट शुड बी फॉलोड फॉर द रिस्क मैनेजमेंट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।